हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी सूट की कटिंग करते हुए इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो देखते हैं हमारी स्टिचिंग और कटिंग किस तरह से है। इसे ओपन करके देखेंगे हमारे ड्रेस की डिज़ाइनिंग किस तरह से है। ये देखिए, ये फ्रंट वाला साइड है, बराबर सेट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से इस गले के सेंटर में हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए ड्रेस को कट करना है। पहले हम बैक साइड और फ्रंट साइड को दोनों को अलग अलग करेंगे। बैक साइड पे भी इसके डिज़ाइन है और फ्रंट साइड पे भी नेक डिज़ाइन है, इसलिए हमें सेंटर में से कटिंग करना होगा। दोनों अलग अलग करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और सेंटर से कटिंग कर लेंगे। फ्रंट वाला साइड लेंगे, यह हमारा फ्रंट वाला साइड है। इसे बराबर नेक के लेवल में हम फोल्ड करते हुए इसके ऊपर टॉप का डायग्राम डालेंगे। ये इसकी उल्टी साइड है, उल्टी साइड पे ही हमें डायग्राम डालना है। इस तरह से नेक के सेंटर में इसे फोल्ड करते हुए बराबर सेट करेंगे। अब यहाँ पे शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर हमारा 6.5 है, 7 इंच पे हम हाफ़ राउंड लेंगे। हाफ़ राउंड के लिए हम स्ट्रेट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और 7 इंच पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है वहाँ पे ही हमें छाती का नाप लेना है। कमर हम 14 लेंगे, शोल्डर से सीट 20, और यहाँ से पूरी लंबाई कपड़े की जितनी लेंथ है उतनी पूरी ले लेनी है हमें। 42 पे हमारी टॉप की लेंथ है। अब जहाँ पे हमने डॉट दिए हैं वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें छाती, कमर और सीट का नाप डालना है। यहाँ पे जहाँ पे हमने पहली लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे हम छाती का नाप लेंगे। 10 इंच पे हमारी छाती का है डॉट, 1.5 इंच माया लेंगे, 9 इंच पे हम कमर लेंगे, 1.5 इंच माया, 10 इंच पे सीट लेंगे, 1.5 इंच माया। सीट के लेवल में हम फ्लेयर का डॉट कर लेंगे और फ्लेयर से सीट तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हमें कमर पे भी इसी तरह से कमर में भी डॉट लगा लेना है। यहाँ से हम छाती पे डॉट लगा लेंगे। हमारे डॉट लगाना हो गए हैं, अब हाफ राउंड का नाप डालेंगे किस तरह से डालना है। ये देखिए, सेंटर में डॉट देंगे। यहाँ से इतना जो माप है हमें पहले टेप से नाप लेना है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे नाप लेंगे, सेंटर में डॉट करेंगे। सेंटर में डॉट करने के बाद ऊपर से 1/2 इंच पर डॉट करेंगे। इस डॉट को इस डॉट से मिला लेंगे और राउंड अप करेंगे। बैक साइड का राउंड डालेंगे, फिर फ्रंट साइड का राउंड डालेंगे। हाफ राउंड का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड की कटिंग होने के बाद इसी को हम रखते हुए बैक साइड का भी डायग्राम डालेंगे। पहले हम सीट पे और कमर पे इस तरह से कैंची की नोक से खच के लगा लेंगे। यह हमारा बैक साइड, इसे हम डिज़ाइन के हिसाब से बराबर फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये जो दो बॉक्स है इसे हमें सेंटर में लेना है। यहाँ पे इस तरह से बराबर सेंटर में ले लेंगे और हमारा जो कटा हुआ टॉप है उसी को हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसी के लेवल में हमें यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है। जहाँ पे हमारे डॉट थे वहाँ पे हमें फिर से डॉट लगा लेना है। हाफ राउंड का नाप लेंगे,
बराबर टेप को राउंड करते हुए हमें हाफ राउंड का पूरा नाप लेना है। ये देखिए 10 इंच, आधा इंच कम करते हुए 9.5 पे हम हाफ राउंड का डायग्राम डालेंगे। यहाँ पे हम गले के लिए 2.5 पे डॉट लगा लेंगे। जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहाँ पे हम कैंची की नोक से खचका लगा लेंगे। बैक साइड को साइड में रखेंगे और फ्रंट साइड की हाफ राउंड की हम गहरी कटिंग कर लेंगे। हाफ राउंड की गहरी कटिंग करने के बाद स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। यह हमारा स्लीव्स का डिज़ाइनर कपड़ा है। पहले हम बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आमने सामने रखते हुए हम स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने इसे 4 फोल्ड में घड़ी डाल दी है और ये हमारा 9.5 का माप तैयार हो गया है। लेकिन साइड से जो कपड़ा है वहाँ पे 2 कपड़े की ही घड़ी है। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे 2 कपड़े की घड़ी और भी रखनी है। ये देखिए बचा हुआ कपड़े को हम डबल में करते हुए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हमारे ये 4 डबल में कपड़े की घड़ी तैयार हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। 3 इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमें हाफ राउंड का नाप लेना है। 9.5 पे हम हाफ राउंड का नाप लेंगे और स्लीव्स की पूरी लंबाई ले लेंगे। 21 इंच पे हमारी स्लीव्स तैयार है। यहाँ पे हम 6 इंच की गोलाई लेंगे, 1.5 इंच माया लेंगे। यहाँ पे 9.5 पे हम डॉट लगाएंगे, 1.5 इंच अंदर लेते हुए हाफ राउंड का शेप डालेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स की लंबाई को भी राउंड अप कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे लेंथ को, हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करना है और इस तरह से लाइन अप करते हुए हम ये स्लीव्स का डायग्राम कंप्लीट करेंगे। स्लीव्स के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। डायग्राम के मुताबिक कटिंग करनी है और हमारे स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए टॉप का भी हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया है और स्लीव्स का भी हमने डायग्राम कंप्लीट करते हुए इसकी कटिंग कर ली है। ड्रेस की परफेक्ट तरीके से कटिंग होने के बाद अब हम गले का डायग्राम डालते हुए गले की कटिंग करेंगे और ड्रेस पे अटैच करने का तरीका देखेंगे। कैनवस पेपर ले लिया है, 8x4 का हमने ये कैनवस पेपर लिया है। 2 पेपर है, एक बैक साइड का और एक फ्रंट साइड का। और इसके लिए हमने ये कपड़े भी ले लिए हैं जो हमें गले प्रेस करते हुए चिपकाने के लिए लगेंगे। पहले हम गले को किस तरह से तैयार करना है वो देखेंगे। कैनवस हमने जो लिया है इसे हम डबल फोल्ड में करेंगे। ऊपर से हमारा कैनवस थोड़ा सा ऊपर नीचे है इसलिए हम वहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, 2.5 पे डॉट करेंगे और वहाँ से क्रॉस में 7 पे डॉट करते हुए हमने जहाँ पर डॉट लगाए वहाँ पर भी आड़ी रेज देंगे और यहाँ पर भी 2.5 पे डॉट करेंगे। अब इस 2.5 से इस 2.5 को इस तरह से बॉक्स तैयार करेंगे और इसके सेंटर में हमें 5 शेप का डिज़ाइन करना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये डबल से हम 1 इंच के फासले पे इसी तरह से डबल में 5 शेप तैयार करेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड का 5 शेप तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे पेपर को भी लेंगे, इसे फोल्ड करेंगे और इसे भी उसी तरह से बॉक्स तैयार करते हुए इसमें हमें राउंड शेप तैयार करना है। बैक साइड के लिए 6 इंच पे लेंगे, 2.5 पे डॉट करते हुए बॉक्स तैयार करेंगे। राउंड शेप डालने के बाद इसके लिए भी हमें 1 इंच पे फिर से एक राउंड शेप डालना है। बाहर से हमने जो राउंड शेप लिया है इसी के मुताबिक हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले हम जो एक्स्ट्रा कैनवस है इसे कट कर लेंगे और फिर बाहर से जो राउंड शेप है इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें ये हमारा बैक साइड का नेक मिल गया है। अब इसी तरह से हम फ्रंट साइड की भी गले की कटिंग करेंगे।
बाहर की कटिंग होने के बाद अंदर से हमने जो डिज़ाइन तैयार किया है उसी के मुताबिक हमें इसकी कटिंग करनी है। और ये देखिए फ्रंट साइड का भी हमें शेप तैयार मिल गया है। इस तरह से हमारा ये कुछ लुक तैयार रहेगा। ढाई पे हमने गले को तैयार किया है, उसी तरह से हम ये कपड़े को भी चार डबल में फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने डबल कपड़ा एक साथ ले लिया है और इस पे भी हमें ढाई पे डॉट करना है। ये देखिए ये ढाई का डॉट, यहाँ पे हम इस तरह से डॉट करते हुए यहाँ पे कैंची की नोक से खचका लगा लेंगे, ओपन करेंगे और जहाँ पे हमारे डॉट हैं उसी डॉट के लेवल में कैनवास पेपर को इस तरह से रखेंगे और प्रेस चलाते हुए हम इसे चिपका लेंगे दोनों गलों को। ये देखिए हमने दोनों गले प्रेस करते हुए चिपका लिए हैं। अब हमारे जो गले हैं उससे आधा इंच इधर लेते हुए ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसी सेंटर में हमें ये कपड़ा कटिंग करना है। आधा इंच हम सिलाई मार्जिन रखते हुए कपड़े को पूरा राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। राउंड शेप की कटिंग होने के बाद इसी तरह से हमें पान शेप की भी कटिंग कर लेनी है गले के मुताबिक। दोनों गले की कटिंग हो गई है। अब हमारा जो कपड़ा है इसे हम फोल्ड करते हुए पूरे साइड पे इसी तरह से स्टिच करते हुए इसे दबा देंगे। बराबर फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए हमें स्टिच करनी है। फ्रंट साइड तैयार हो गया है। अब बैक साइड को भी हमें उसी तरह से स्टिच करना है जिस तरह से हमने फ्रंट साइड को तैयार किया है। दोनों गले हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसे हम सूट के ऊपर किस तरह से ऐड करना है वो देखेंगे। ये देखिए ये हमने सूट ले लिया है और इसके ऊपर हमारी ये स्लीव्स हैं। अगले वीडियो में हम स्लीव्स को ये जो जॉइंट है इसका ये जॉइंट अटैच करते हुए स्लीव्स किस तरह से अटैच करते हैं वो देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम नेक किस तरह से अटैच करना है वो देखेंगे। ये देखिए हमारे सूट पर भी हमने पान शेप का ही डिज़ाइन था इसलिए हमने फ्रंट साइड का पान शेप का डिज़ाइन लिया है। इसके शोल्डर पे भी हमने यहाँ पे ढाई पे डॉट कर लिया है फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी। पहले हम फ्रंट साइड का गला तैयार करेंगे जो पान शेप का है। सूट के कपड़े को हमें इस तरह से ओपन करना है। ये देखिए ये डॉट, अब इसी डॉट पे डॉट रखते हुए हमें ये गले को यहाँ पे इस तरह से रखना है और कैनवास पेपर के लेवल में हमें यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है। बराबर कैनवास पेपर के कॉर्नर पे स्टिच करते हुए पूरे नेक को सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए गले को हमने पूरी तरह से स्टिच लगाते हुए यहाँ पे तैयार कर लिया है और सिलाई हमारी बिल्कुल कैनवास पेपर के कॉर्नर के मुताबिक है। अब इसे हम कटिंग करेंगे। कैनवास पेपर का जो हमने स्टिच किया है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें कपड़े की कटिंग करनी है। आधा इंच एक्स्ट्रा हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें वहाँ पे खचके लगाने हैं कैंची से। अब पूरे राउंड पे हम कैंची से खचके लगा लेंगे ताकि हमें गला फोल्ड करने में कोई परेशानी ना आए। आपने अगर खचका नहीं लगाया तो गला बराबर से फोल्ड नहीं हो पाएगा इसलिए हमने इसे खचके लगा लिए है। अब गले को इस तरह से रखेंगे और जो कैनवास की पट्टी है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से पूरे गले को फिनिशिंग करते हुए तैयार करेंगे। पूरे गले को फोल्ड करने के बाद हम इसे प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे गले को फिनिशिंग मिल जाए। इसकी प्रेस कर लेंगे। ये देखिए प्रेस करते हुए हमने गले को फिनिशिंग में ले लिया है। अब इसे हम स्टिच करेंगे। पाव इंच के फासले पे हमें पूरे गले पे स्टिच लगा लेनी है।
इंच के फासले पे हमने गले को पूरी स्टिच लगा ली है और ये देखिए हमारा गला एकदम फिनिशिंग में यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हम बैक साइड को भी तैयार करेंगे। ये देखिए खचके लगाना हो गए हैं और ये हमारी फ्रंट साइड, सीधी साइड ना लेते हुए हम उल्टी साइड लेंगे और जो ये गले का कैनवस पेपर की पट्टी है उससे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्टिच लगाते हुए हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे आधे इंच पे। आधे इंच की स्टिच देने के बाद वहाँ पे ही हमें डबल स्टिच करनी है और इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पे भी हम कैनवस की जो पट्टी है बैक साइड की उससे हम फोल्ड करेंगे और वहाँ पे हमारे तैयार फ्रंट साइड के गले को रखते हुए आधे इंच पे सिलाई लगा लेंगे। बराबर इक्वल रखते हुए हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। दोनों शोल्डर को हमें स्टिच लगाना हो गई है। अब इसे हम ओपन करते हुए देखेंगे इसका लुक किस तरह से रहेगा। ये हमने कुर्ते को इस तरह से ओपन कर लिया है और ये इसका उल्टी साइड है। उल्टी साइड पे गला देखिए इस तरह से रहेगा और फ्रंट साइड पे इस तरह से रहेगा। जो बैक साइड का जो गला है उसे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे पीछे की तरफ दबा देना है और जो फ्रंट साइड की जो गले की स्टिच थी उसी स्टिच के मुताबिक हमें बैक साइड पर भी स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगाते हुए फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमारा ये गले का लुक तैयार रहेगा। बैक साइड और फ्रंट साइड हमने दोनों साइड अटैच कर ली है। ये इसकी उल्टी साइड है। इस तरह से हमें शोल्डर को यहाँ पे फोल्ड करते हुए स्टिच लगानी है। गले की जो साइड है यहाँ पे हम तुरपाई लगा लेंगे ताकि हमारे गले को और भी फिनिशिंग आ जाए। गले अटैच करने के बाद अब स्लीव्स अटैच करने का तरीका देखेंगे। कुर्ते को हमने पहले से ही गहरी कटिंग कर ली है। स्लीव्स को हमें पहले जॉइंट लगाना है उसके बाद हम इसकी गहरी कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारे स्लीव्स हैं और यहाँ पे ये इस तरह से इसे दो जॉइंट आए हैं। पहले हम जॉइंट करने का तरीका देखेंगे उसके बाद स्लीव्स की गहरी कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारे स्लीव्स, ये दोनों इसके जॉइंट को हमें इधर साइड में रखना है और कपड़े को ओपन करेंगे। यहाँ पर बीच की साइड से इसे कैंची से कट लगा लेंगे और दोनों स्लीव्स हमारी अलग अलग हो जाएंगी। ये देखिए एक स्लीव्स के ऊपर हम एक जॉइंट लगाएंगे और एक को साइड में रखेंगे। इस तरह से हमें जॉइंट रखना है, इसको हमें साइड में रखना है। यहाँ पे इसे इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे स्टिच कर लेंगे। आधे इंच पे स्टिच करने के बाद इसे हमें दाब सिलाई भी लगानी है। बराबर लेवल रखते हुए हमें ये स्टिच लगानी है। ये देखिए हमारी स्टिच लगाना हो गई है। अब यहाँ पे हम इसे क्लीन करेंगे और कॉर्नर पे स्टिच लगाते हुए दाब सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे स्लीव्स को भी तैयार करना है। ये देखिए हमारे स्लीव्स का जॉइंट हमने परफेक्ट तरीके से तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स भी तैयार करेंगे। दाब सिलाई होने के बाद हम स्लीव्स को सीधी साइड पर रखेंगे इस तरह से
और दूसरी स्लीव्स लेते हुए उसकी सीधी साइड के पास रखेंगे और बराबर इक्वल रखते हुए हमें बराबर स्लीव्स को, ये देखिए यहाँ पे हमने पहले से ही डॉट लगा लिया है गहरी कटिंग का। इस तरह से हमने ये गहरी कटिंग कर ली है और जिधर से गहरी कटिंग है वहाँ पे हम कैंची की नोक से खचका लगा लेंगे। अब स्लीव्स की गोलाई के पास जो फोल्डिंग है वो फोल्डिंग को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। हमने पहले एक इंच लिया है, उसके ऊपर आधा इंच लगाते हुए इस तरह से हम फोल्डिंग कर लेंगे। दोनों सिलाई हमारी परफेक्ट तरीके से लगाना हो गई है। अब कुर्ते को लेंगे, ये हमारा सीधा साइड है, सीधी साइड पे ही हमें कुर्ते को इस तरह से रखना है। ये देखिए इस तरह से हम इसे सीधे साइड रखेंगे और हमारे कुर्ते की जिधर से हमने गहरी कटिंग की है उधर से ही हमें स्लीव्स की भी गहरी कटिंग को लेना है। ये देखिए जिधर हमने डॉट लगा के रखा था कुर्ते की हम सीधी साइड लेंगे और स्लीव्स की उल्टी साइड लेंगे। इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे स्टिच लगाते हुए हमें पूरे गोलाई पे स्लीव्स को अटैच कर लेना है इस तरह से। और ये देखिए हमारे स्लीव्स अटैच करना हो गया है। अब हम इस पर फिटिंग लगाते हुए चौक बनाने का तरीका देखेंगे। दोनों साइड के स्लीव्स हमने अटैच कर ली है, अब इसे हम उल्टी साइड पे डालेंगे और उल्टी साइड पे डालने के बाद डेढ़ इंच पे फिटिंग लगाने का तरीका देखेंगे। स्लीव्स की गोलाई से लेकर सीट की डेढ़ इंच की फिटिंग तक हमें पूरा डेढ़ इंच पर ही माया लेते हुए पूरी फिटिंग लगा लेनी है। इसी तरह से हम ये दोनों साइड की फिटिंग लगा लेंगे। हमारे दोनों साइड की फिटिंग लगाना हो गई है। दोनों साइड की फिटिंग होने के बाद अब हम चौक बनाने का तरीका देखेंगे।
ये देखिए यहाँ पे हमें चौक तैयार करनी है। सीट के नीचे से जो कपड़ा बचा हुआ है वहाँ पे हम साइड चौक तैयार करेंगे। इस तरह से कपड़े को रखेंगे। ये हमारी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड की तरफ हमें इस तरह से कपड़े को 1 इंच पे फोल्ड करना है। फिर से आधे इंच पे फोल्ड करते हुए इसी तरह से हमें ये पूरे सीट तक चौक तैयार करनी है। और ये देखिए हमारा पाकिस्तानी सूट पूरी तरह से स्टिच करते हुए तैयार हो गया है। ये देखिए इसके स्लीव्स का लुक और ये हमने जो इसके कट्स तैयार किए हैं, ये देखिए ये हमारे कट्स एकदम स्ट्रेट और एकदम फिनिशिंग से तैयार हुए हैं। आपको अगर हमारा ये कटिंग और स्टिचिंग वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। पाकिस्तानी ड्रेस से रिलेटेड अगर आपको और कोई डिज़ाइन देखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।